और वहीं एकता कपूर और उनकी मां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, वेब सीरीज ने दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोनों के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर है, कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया। धारा 13 और 15 के तहत ये मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि OTT पे जो वो सीरीज बनाते थे उसमें जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी अश्लील चीजें ये करते थे और उसी के बाद जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो एकता कपूर और उनकी मां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वेब सीरीज में दोनों की मुश्किलें बढ़ी हैं। दोनों के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। अपने दर्शकों को बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला तब दर्ज होता है जब नाबालिग के साथ किसी तरह का अश्लील वीडियो बनता है या हरकतें होती हैं या फिर उसका इस्तेमाल जो है किसी तरह के पिक्चर में या फिर उसका इस्तेमाल जो है किसी तरह के OTT प्लेटफॉर्म पर बनने वाले वेब सीरीज में किया जाता है और इसी के तहत ये पूरा मामला जो है दर्ज हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है जिसमें अब कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश देते हुए धारा 13 और 15 के तहत इस पर कार्रवाई यानी कि इस पर अब सुनवाई भी जो है वो जल्द शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें एकता कपूर और उनकी मां की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वेब सीरीज में जिस तरह से उन्होंने नाबालिग बच्चों का गलत इस्तेमाल किया है, उनके वीडियोस का गलत इस्तेमाल किया है, उसके तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है और धारा 13 और 15 के तहत मामला दर्ज करते हुए अब इस पर सुनवाई होगी, जिरा होगी, सब कुछ होगा, कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। यानी मुश्किलें एकता कपूर और उनकी मां की यहां पर बढ़ गई है।